हम लोग निफ्टी के आर्ली चार्ट को स्टडी कर रहे हैं। निफ्टी आर्ली चार्ट में 100, 50 और 20 मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहा है। प्राइस का पैटर्न ये बता रहा है कि लास्ट 7-8 दिन से डाउन ट्रेंड चल रहा है। आफ्टर डाउन ट्रेंड लास्ट 2 दिन से निफ्टी 7480 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस हो रहा है। 3-4 बार इसने 20 के मूविंग एवरेज को पुल बैक किया है अभी तक। ये 20 मूविंग एवरेज हमेशा रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिबोनाची फैन प्रिंसिपल बता रहा है कि 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल भी 20 मूविंग एवरेज के आसपास है। इंटरनेशनली रिकवरी शुरू हुई है और इसकी वजह से एसजेक्स निफ्टी ऑलरेडी 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड हो रहा है। सो एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 20 मूविंग एवरेज के पास यानी 7560 के पास निफ्टी ओपन होने के चांसेस होंगे, लेकिन यहाँ पे सस्टेन होना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 20 एवरेज इसको रेजिस्टेंस दे देगा। अगर इस लेवल को इसने तोड़ा तो फिर अगला रेजिस्टेंस 7600 के पास 50% रिट्रेसमेंट और 50 मूविंग एवरेज, ये दोनों यहाँ आ रहे। सो 7600 ये निफ्टी के लिए अगला टारगेट हो सकता है। हावेवर डोमेस्टिक एनवायरनमेंट इसके लिए फेवरेबल होना ज़रूरी है। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट इसके लिए फेवरेबल इसके लिए नहीं है क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी डेटा जो आया है वो निगेटिव है और होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रादर ये बता रहा है कि करंट महंगाई ये प्रीवियस मंथ से बढ़ गया है। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी का गिरना और महंगाई का बढ़ना ये मार्केट के लिए निगेटिव सेंटिमेंट्स देता है। सो अगर इंटरनेशनल रिकवरी आई और वो रिकवरी की वजह से अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया तो भी फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं होने की वजह से चांसेस है कि ये रिकवरी सस्टेन नहीं हो और ये फिर वापस नीचे आए। सो नीचे आए तो 7487 ये रेजिस्ट सपोर्ट है और अगर ऊपर जाए तो फिर 7600 का ऊपर रेजिस्टेंस है। सो आने वाला पीरियड ये निफ्टी को यहाँ पे कंसोलिडेट करने के चांसेस होंगे। रिजल्ट सेशन शुरू हुआ है, टीसीएस का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ख़राब हुआ है। सो ये एक वापिस हमारे लिए एक हिंट है कि आने वाला एनवायरनमेंट ये हमारे इंडस्ट्री के रिजल्ट्स को भी एक्सपेक्टेशन से खराब दे तो फिर ये डाउन ट्रेंड इतने जल्दी ख़त्म होने के चांसेस कम है। 7500 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो अगला 7250 और उसके आगे 7000 के आसपास निफ्टी जाने के चांसेस होंगे। सो फिलहाल ट्रेंड बेरिश है। हम लोग निफ्टी को फिलहाल अगर ऑब्जर्व कर रहे तो ये प्लीज इस रिकवरी को अप ट्रेंड समझ के यहाँ पे बुलिश होना नहीं, क्योंकि हम लोग फिलहाल आर्ली और डेली दोनों फॉर्मेट में फिलहाल हम लोग बेरिश ट्रेंड से चल रहे हैं। सो आने वाले पीरियड में अगर रिकवरी भी होती है तो ये रिकवरी यहाँ इस गैप को भरने की लिए हो सकती है, और ये गैप अगर भर दी तो अगेन डाउन ट्रेंड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो पुल बैक 7600 और ऊपर से 7673, ये दो रेजिस्टेंस पकड़ के चले और नीचे 7487 सपोर्ट पकड़ के चले। ट्रेंड बेरिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिकवरी का रहेगा, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड डाउन चल रहा है। थैंक यू।